हैं, ये आपका अशोक स्तंभ का है। भारत का राष्ट्रीय जो चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है बाबू? अशोक स्तंभ। कौन स्तंभ? अशोक स्तंभ। जिनका क्लास छोटा उनको भी बढ़िया, और जो जानते हैं वो भी बढ़िया। तो बढ़िया से सुनिएगा, भारत का ये जो पिक्स दर्शा रहे आप लोग के समक्ष में, बढ़िया से दिखिएगा इस पिक्चर को और शांति से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये भारत का जो राष्ट्रीय जो चिन्ह है, ये राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का पिक्स है। याद रखिए, ये क्या है तब बाबू? आपका अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ को कहाँ से लिया गया? सारनाथ अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। कहने का मतलब कि ये जो पिक्स है ये सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया। अगर कोई बोलेगा कि बताइए अशोक स्तंभ कहाँ से ले गया, तो बोलेंगे सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। कोची लिया गया है अशोक स्तंभ। तो अगर कोई बोलेगा कि पिक्चर जो है आप नोट में देखते होंगे, अरे लड़की करेंसी आपको सिक्का में देखने को मिलता होगा, तो अगर आपसे को बोले अशोक स्तंभ के बारे में, तो अशोक स्तंभ क्या है? तो बोलेंगे अशोक स्तंभ सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। और याद रखिए, वास्तव में अशोक अप्रतिम कहा जाता है, इस प्रतीक में कहा जाता है चार गो शेर को दर्शाया गया। आप याद रखिए, एक दो तीन एक पीछे बाबू, चार गो सिंह को दर्शाया गया, चार गो शेर है और चारों जो शेर है कहा जाते एक दूसरे से पीठ करके खड़ा है। ये देखो, एक का पीठ इससे संपर्क है, इसका पीठ इससे संपर्क है, पीछे वाला भी इस प्रकार से। सब जो शेर है चारों शेर, याद रखिए, अगर कोई बोले अशोक स्तंभ है क्या, अशोक स्तंभ का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे अशोक स्तंभ अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। और अशोक स्तंभ क्या है, तो बोलेंगे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत का क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कोची है जी? अशोक स्तंभ। कहाँ से लिया गया है जी? राष्ट्रीय प्रतीक में चार गो शेर है, एक गो दो गो तीन गो एगो चार गो, एगो चार गो, और चारों शेर एक दूसरे से पीठ करके क्या है? बैठा हुआ। याद रखिएगा कहाँ जाता है? खड़ा है। अब बताइए आपको के गो शेर नजर आ रहा है? एक दो तीन। तीनों जो शेर है मुझे तीन गो शेर दिखाई देता है और चौथा शेर दिखाई नहीं देता। देखिएगा इसका आधार ही हुआ, आधार का मतलब बेस होता है। तो देखिए इसके आधार के माध्यम में, आधार के माध्यम में वो चक्र है, इसके आधार के माध्यम में वो क्या है? चक्र है। कोची हवा जी, चक्र है, चक्र हवा। याद रखिए इसके आधार के माध्यम में एक चक्र है, इस चक्र के दाई ओर, दाई ओर बतावा एन्ने, दे बतावा एन्ने हवा की एन्ने बताओ, दाई ओर इबला, इबला 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 दाई ओर ना हवा जी सर, बाई ओर। याद रखिए एन्ने दाई ओर, कहने का मतलब दाई ओर, दाई ओर एक बैल है, बैल बाई ओर आपका घोड़ा। याद रखिए आपको हाथी का पिक्स दिया, गलत है बाबू। याद रखिए बताइए दाई ओर कोची हवा, बैल दाई ओर, बैल बाई ओर घोड़ा, बाई ओर क्या है? याद रखिए घोड़ा के क्या दाब लिया? बाई दाब लिया। तो बोलेंगे बाई ओर घोड़ा और दाई ओर बैल। बताओ है केक का, तो बोलेंगे अशोक स्तंभ के आधार के चक्र की ओर। तो अशोक स्तंभ का ये आधार है और आधार का जो चक्र है, ये चक्र के दाई ओर एक बैल है और बाई ओर एक घोड़ा है। अब लिखिएगा, इतना मत दिमाग में गेल भा, कोई पूछते तो बता दे। वो देख लेते हम ही पूछ लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कोची है क्या? तो बोलेंगे सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। जो फोटुआ है जी, ये वाला फोटुआ जी, अरे ये वाला जी देखो ना जी, जी बात समझ आवे ना जी, आवी तब ये फोटुआ कहां से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है।
कि बताइए सबसे पहले अशोक स्तंभ क्या है, तब बोलेंगे अशोक स्तंभ सारनाथ स्थित अशोक के सी स्तंभ से लिया गया है। चिपका के खड़ा है, बताओ तुमको के गो शेर नजर आ रहा है, तीन गो शेर नजर दिखाई देता है, चौथा शेर दिखाए बताइए, बताइए इस स्तंभ के ये अशोक स्तंभ के आधार के नीचे वो चक्र है, बताओ दाई ओर बैल, दाई ओर बैल, बाई ओर घोड़ा, बाई के करा धर लाई घोड़ा, दाई ओर बैल, बाई ओर घोड़ा, कर दीजिए जो चक्र है ये चक्र के आधार के मध्य में चक्र है, इस चक्र के दाई ओर दाई ओर और बाई ओर भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल, बोलो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल।